हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज़। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं TDS से। तो TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टर एट सोर्स। तो ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारा ये स्टार्ट हुआ था प्रोसेस। तो इसको हम टैली की हेल्प से किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं हम। तो पहले हम समझते हैं कि TDS होता क्या है। तो बस TDS जो है एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार हमें हमसे इनडायरेक्ट वे में लेती है। तो ये डिफरेंट एक्ट्स के अकॉर्डिंग लगता है, मतलब डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लगता है और उनकी लिमिट भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह की लिमिट्स होती हैं इनकी। तो लाइक यहाँ पे कुछ सेक्शंस लेके रखे हैं, 192A, 193, 194। और ये नेचर ऑफ पेमेंट है कि अगर कुछ का सैलरीज के ऊपर लगता है, कईयों का कमीशन के ऊपर लग सकता है, लॉटरी प्राइस के ऊपर लग सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स हैं उसके। तो यहाँ पे उसकी लिमिट दी है भी अगर किसी पर्सन की, जैसे सैलरीज की बात करें, 250,000 से अबव लिमिट जा रही है, एक्सीड कर रही है, तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज कट होगा उसका, उनका वो कट होके उसको सरकार को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो जैसे हम अपनी एग्जांपल के अंदर इस चीज़ की बात करेंगे, 194G सेक्शन के अंडर जो कमीशंस एंड लॉटरीज हैं उनके अंदर अगर किसी पर्सन की 15,000 से अबव की लिमिट क्रॉस हो रही है, लॉटरी लगी है या कमीशन मिला है, तो उसके ऊपर हम 5% ऑफ टैक्स कट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे और बाकी का ही हमें रिटर्न में मिलेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि लेट सुमित ने एक लॉटरी प्राइस वॉन किया है 20,000 का, बट उसको क्योंकि उसकी जो लिमिट है 194G सेक्शन के अकॉर्डिंग 15,000 की लिमिट है, उससे ज़्यादा हो गई है, एक्सीड कर रही है। तो इसका हम टैक्स का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है, तो आओ टैली के अंदर आ जाते हैं हम अपनी टैली विंडो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट करके रखी है TDS के नाम से। तो आपको मैं इसके फीचर्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन से फ़ीचर्स आपको ऑन करने हैं। तो आपको F11 करना है और यहाँ पे आपको कोसेंटर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट दूसरी साइड आ जाते हैं। TDS को आपको येस करना है और यहाँ पे आपको टैन रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। इसका एक फॉर्मेट होता है लेकिन मैंने एक डमी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है क्योंकि हम एक एजुकेशन मोड के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिडक्शन टाइप कंपनी रहेगी या फिर इंडिविजुअल भी ले सकते हो आप, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आप कर दोगे येस। यहाँ भी आप पर्सन की डिटेल्स डाल सकते हो कि कौन सा पर्सन आपके आपकी इनकम में से या फिर आपके कमीशन में से सैलरी को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पेएबल है। यानी कि मान लो आप कोई ओनर ऑफ द कंपनी हो, आपके किसी एम्प्लॉय को कमीशन मिला है और उसके कमीशन का कुछ पार्ट आप अपने पास रख के और वो गवर्नमेंट को पे करोगे एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे उस सारे कंपनी के ऑनर की डिटेल्स आ जाएंगी जो भी आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा है। और इसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे। तो बाकी सारी चीज़ों को हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा के नीचे आ जाना है। अब मुझे क्या है, जैसे हमने अपनी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखा था कि सुमित वॉन अ लॉटरी प्राइज ऑफ 20,000 अंडर दिस सेक्शन। तो आप आ जाओ अपनी टेलीप्राइम की विंडो के अंदर। यहाँ पे हम कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट के अंदर चले जाओ, यहाँ पे लेजर्स हैं। अब यहाँ पे मैं कमीशन या फिर लॉटरी का एक लेजर क्रिएट करूँगी, लॉटरी, ये जाएगा मेरा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसका नेम LOT ही रख लेती हूँ मैं। ये जाएगा मेरा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि मैं एक कंपनी के ऑनर की तरह सोचना है हमें और ये उसके एक्सपेंसेस ही हैं। यहाँ पे TDS को आपको कर देना है एप्लीकेबल और यहाँ पे आपको एक नेचर ऑफ पेमेंट डिसाइड करके रखना है। तो लेट हम क्रिएट कर लेते हैं लॉटरी के नाम से। अब ये जो सेक्शन है 194G सेक्शन के अंडर जा रहा है और पेमेंट कोड आप कुछ भी डाल सकते हो। लेट मैंने 94G डाल दिया। और यहाँ पे कितने परसेंट डिडक्शन होगा, तो मैं 5% डालूँगी इसको। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कितनी लिमिट से अगर ऊपर की अमाउंट जा रही है तो आपको कट करवाना है। तो यहाँ पे 15,000 की लिमिट हमें दे रखी है ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें आपको जो गवर्नमेंट की लॉ ऑफ बुक्स है, सेक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाती हैं। तो आपको एज इट इज़ इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम एक पर्सन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे सुमित कुमार, इसको मुझे डालना है सन्ड्री क्रिएटिव के अंदर। और यहाँ पे आपको कर देना है येस, डिडक्शन टाइप को करोगे येस। और डिडक्शन जो टाइप है ये हम लेंगे अपनी कंपनी रेजिडेंस ले लेती हूँ मैं।
और बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ आपने कर देना है एक्सेप्ट। अब जो मेरा नेक्स्ट वाउचर है वो आपको लेना है TDS ऑन लॉटरी पे ले लेते हैं हम लॉटरी। ये जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, यानी कि जो भी हमें गवर्नमेंट को पे करना है वो हम DDS ऑन लॉटरी का एक लेजर क्रिएट करके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर डालेंगे। और यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर कर देना है TDS। नेचर ऑफ पेमेंट आप जो हमने लॉटरी का क्रिएट किया था वही रख लेते हैं और इसको आप कर दो एक्सेप्ट। अब बैक जाके आप वाउचर्स के अंदर आ जाओ, तो यहाँ पे आपको एंट्री डालनी है जर्नल वाउचर की। तो मैंने F7 प्रेस किया है जर्नल वाउचर के लिए, तो यहाँ पे हमें एंट्री डालनी है जर्नल वाउचर की। इसके अंदर जो भी मैंने एक कमीशन और लॉटरी का लेजर क्रिएट करके रखा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, तो यहाँ पे हम अमाउंट ले लेते हैं 20,000 की। नेचर ऑफ पेमेंट आपने जैसे हमने लॉटरी का बना के रखा था सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो ये वहाँ पे ये ले लेते हैं। और क्रेडिट के अंदर जिस भी पर्सन को मुझे पे करना है, लेट मुझे सुमित को पे करना है, तो यहाँ पे सुमित और सुमित की अमाउंट आ जाती है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास TDS लॉटरी का एक लेजर जो हमने बनाया था जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर आएगा और जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो उसका अमाउंट हमारे पास 4,000 बचा है। तो कंट्रोल ले करके सब कर लेते हैं। अब आ जाओ आप बैक साइड के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, आपको चेक करना है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। कंट्रोल ऑल्ट F1 करके आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे। देन यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर 20,000 शो कर रहे और जिसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर मतलब अभी हमें पे करना है उसको 16,000 और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर 4,000 हमें गवर्नमेंट को देना है। तो आ जाओ बैक। अब यहाँ पे मैं पेमेंट का वाउचर ओपन करती हूँ और वन बाय वन दोनों चीज़ों को पे कर देती हूँ। पहले हम सुमित को पे कर देते हैं, तो यहाँ पे सुमित कुमार ले लो, उसका जितना भी अमाउंट था 16,000 था तो हम उसको पे कर देते हैं। आपको एज अ कैश करना है बैंक करना है वो आपकी चॉइस है, तो मैं यहाँ पे एज अ कैश ही ले रही हूँ एक बार। तो इसको एक्सेप्ट करो और एक बार स्केप करके बैक आ जाओ। यहाँ पे आपको अगेन चेक करनी है अपनी बैलेंस शीट, ऑल्ट F1 करके एक्सपेंड करो। तो देखो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अभी सन्ड्री डेटर का अमाउंट शो नहीं कर रहा, ओनली 4,000 शो कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं इसको भी मैं पे कर देती हूँ और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा फिर। तो वाउचर्स के अंदर आ जाओ और TDS ऑन लॉटरी 4,000 अमाउंट क्रेडिट के अंदर हमें एज अ कैश पे करना है या बैंक पे करना है वो आपकी चॉइस है, तो एक्सेप्ट कर लो। अब स्केप करके पीछे आ जाओ और यहाँ पे आपको चेक करनी है अपनी बैलेंस शीट, ऑल्ट F1 करो। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अभी कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है, वो आप जो भी आपकी पेमेंट थी वो आप पे कर चुके हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट TDS। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लस समझ भी आई होगी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया एप्स, द लिंक्स आर गिवन बिलो। थैंक यू।